हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घर पे ही लस्सी टेस्टी कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी दही। इस दही को मैंने थोड़ा फेंट लिया है और इसलिए थोड़ी पतली पतली दिख रही है। तो इसको हम एक मग में डाल लेंगे, या कोई भी जग हो आपके पास, कोई मग हो, किसी में भी डाल सकते हो। और ऐसे ही लस्सी बनाने वाले से, जिससे हम घी भी निकालते हैं, लस्सी बनाते हैं, जिस भी चीज़ में आप यूज़ करते हो, और उससे हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, एकदम स्मूथ बन जाएगी हमारी लस्सी को, अच्छे से फेंट लेंगे इसको। हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, एकदम ये स्मूथ पेस्ट जैसा नहीं बन जाए, इसमें हमें दाने नहीं दिखने चाहिए, एकदम जैसे लस्सी होती है एकदम टेस्टी सी, बिल्कुल स्मूथ सी, उस टाइप से इसको बनाएंगे। ये देखिए ऐसे बन चुकी है। गर्मियों में बहुत ही मज़ा आता है लस्सी पीने में, ठंडी ठंडी टेस्टी टेस्टी। तो इसके लिए बाजार क्यों जाना, अपने घर पे ही बना के पी सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अभी चीनी ली है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको पतला कर लेंगे पहले हम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी है, तो हमें इतना ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है इसको, थोड़ा सा पतला, हल्का सा पतला करेंगे, ज़्यादा पानी भी नहीं डालेंगे। मैंने करीबन 2 टेबलस्पून डाला होगा इसमें पानी। अब हम चीनी लेते हैं, मैंने इस चम्मच से नाप के 2 चम्मच चीनी ली है। अगर आपको थोड़ी मीठी लस्सी अच्छी लगती है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर थोड़ा नॉर्मल ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने इतनी चीनी ली। अगर आपको ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो आप और भी ले सकते हो। और इसको फिर हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाए। और चीनी मेल्ट होने तक हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अगर आपके पास ऐसे लस्सी बनाने के लिए कुछ नहीं है तो आप एक गिलास से दूसरे गिलास में डाल के ऐसे भी इसको फेंट सकते हैं अच्छे से। हमारी लस्सी बनने ही वाली है और बहुत टेस्टी लगेगी, आपको घर पे ज़रूर ट्राई करना एक बार। जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसे ब्लेंड करते रहेंगे अच्छे से। बस हमारी लस्सी अब तैयार हो गई है, अब हम अपने ग्लास में इसको डाल के सर्व कर सकते हैं। कोई गेस्ट आए तब बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, कोई गेस्ट आए उसके लिए बनाओ, या फिर खुद के पीने के लिए बना सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी लगी, आप ज़रूर ट्राई करना। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना आपको कैसी